नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऑटो के एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं जो हर एक ऑटो के जो भी मतलब चाहे आपकी ऑटो LPG हो, चाहे आपकी ऑटो CNG हो या पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, कभी न कभी हर एक ऑटो में वो प्रॉब्लम आती है और इस आइडिया से आपको जो है उसका जो है कि प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो आप कर सकते हैं। और हमारे साथ में रहने वाले हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो कि ऑलरेडी इस आइडिया को यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका चाहे जो भी किसी का भी आप, मेरा कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति का जो भी बिजनेस रहता है, जो भी व्यापार रहता है, जो आय का स्रोत रहता है, उसके आय से, उसके इनकम से उसका घर और परिवार चलता है। तो दोस्तों, वैसे आप लोगों का या कहें कि हम सब का जो भी ऑटो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन सब का जो ऑटो से आय होती है, जो इनकम होता है, उसी से उनका घर और ये सब मतलब चलते रहता है। तो दोस्तों, हमारा एक ही मकसद है, हमारा वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है, ज़्यादा व्यूज आए इसलिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं। हमारा वीडियो बनाने का दोस्तों बस एक ही मकसद है कि भले हमारी वीडियो 5 लोग ही देखें, लेकिन उसमें से कम 2 लोगों को उससे कुछ न कुछ फ़ायदा हो, तो मेरा यही मकसद रहता है दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो हमारे साथ में रहने वाले जो दोस्त लोग हैं, उनको एक ऐसा प्रॉब्लम जो इनके गाड़ी में था तो मैंने उनको बताया और ऑलरेडी वो लोग इस आइडिया को यूज कर रहे हैं। तो वो आइडिया चलो मैं आपको बता देता हूँ जो कि एकदम देसी आइडिया है, ना तो उसमें आपको गैरेज में जाने की ज़रूरत है, ना तो आपको कुछ पैसा खर्चा करने का है, ना तो कुछ भी करना नहीं है। लेकिन न जानकारी होने के वजह से दोस्तों, हम जो है कि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त लोग हैं जो कि उस प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं और वो प्रॉब्लम उनका जो है कि सॉल्व करने के लिए बाद में वो गैरेज में जाते हैं और उनका पैसा वेस्ट हो जाता है। लेकिन वो एकदम आसान तरीका है दोस्तों, ना तो उसमें कुछ पैसा खर्चा करने का है, ना तो कुछ कहीं जाना है, ना तो कुछ भी करना है। इसमें आज मैं आपको जो आइडिया बताने वाला हूँ वो आइडिया, चलिए अब मैं जो वीडियो का जो मेन शीर्षक है, जो मेन बात है, उस पर आ जाते हैं। तो इसमें देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनको समझ में नहीं आ रहा था और वो जब गाड़ी स्टार्ट करके चलाते थे, बोलते थे भाई हम जब सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, जब गाड़ी लेके चलते हैं तो कम से कम 2 किलोमीटर हम जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें उनको जो है कि ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक का जो लाइनर रहता है या ब्रेक में से आवाज़ आती है, तो वो इसके वजह से एकदम परेशान हो जाते थे। बोलते थे भाई साहब 2 किलोमीटर कम से कम 15-20 बार अगर जब हम ब्रेक मार देते हैं ना, तो बाद में वो आवाज़ अपने आप बंद हो जाता है। फिर मैं उनको पूछा उसके बाद में फिर से कब आवाज़ आती है, तो बोले नहीं फिर दिन भर आवाज़ आती ही नहीं है, सिर्फ सुबह जब भी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ ना तो 1-2 किलोमीटर जैसा, मतलब किसी का 2 किलोमीटर तक, किसी का 1 किलोमीटर तक ब्रेक मारने पे आवाज़ आता है उसमें, तो वो आवाज़ के लिए वो बेचारे एकदम परेशान हो जाते थे। तो उनको बोला यार तुम जब 10-12 बार ब्रेक मारते हो, 15 बार ब्रेक मारते हो, उसके बाद में वो आवाज़ अपने आप बंद हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है, फिर वो आवाज़ आती नहीं है, तो इसके लिए आपको गैरेज में जाके, बोले वही मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। तो उसके लिए मैं उनको एक ही बात बता दिया, यार तुम जब 10-15 बार ब्रेक मारते हो, उसके बाद आवाज़ जब बंद हो जाती है तो तुम जगह पे क्यों नहीं ब्रेक मार लेते। तो भाई उन्होंने ऐसे किया, जब गाड़ी स्टार्ट किए तो उसके बाद में गाड़ी चलाने से पहले जैसे हम पंपिंग करते हैं ना, आप लोग ब्रेक जब भी एयर निकालने के टाइम पंपिंग करते हैं और वो ऐसा मतलब ये करते हैं, तो जगह पे 15-20 बार ब्रेक आप पंपिंग के जैसा जो है कर लीजिए, उसके बाद में फिर आवाज़ आने बंद। तो उन्होंने इस आइडिया को अपना के दोस्तों इसका जो फ़ायदा होता है, उनका आवाज़ आने का जो प्रॉब्लम था वो फिर गाड़ी चलाने के बाद आवाज़ आना उनका बंद हो गया गाड़ी में से, ब्रेक में से। तो दोस्तों, आप भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपके गाड़ी में है या आपके गाड़ी में अगर नहीं है, तो मैं यही चाहूँगा कि जिनके गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम है आप इस वीडियो को उन तक शेयर करके पहुँचा दें, ताकि कम से कम उनको ये आइडिया मिल जाए और उनका जो है गाड़ी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।